हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम बबीता है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो अभी मैं बैंगन का भरता बनाने जा रही हूँ। तो मैं गैस ऑन कर रही हूँ, मैंने गैस ऑन कर दी है और इसमें मैं डालूँगी मस्टर्ड ऑयल और बैंगन का भरता। मैं मेरे हिसाब से या मेरी रेसिपी है तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो गैस तेल गरम हो रहा है और गैस मैंने थोड़ी हाई कर दी है और इसमें ये मसाले हैं, ये जीरा है, राई है, नमक है, हल्दी, जो भी है सारे मसाले हैं ये इसमें। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर जीरा डालूँगी। तेल गरम हो चुका है और पहले मैं गैस कम करूँगी, स्लो करूँगी और मैं डालूँगी इसमें जीरा। मैंने जीरा डाला, राई डाली, थोड़ा सा इसको ऐसे भरेंगे वरना छींटे आते हैं। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी हींग। हींग डालने के बाद गैस को एक बार मैंने बंद कर दिया है क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गया। अब इसमें डालूँगी चटनी जो कि मैंने अपने हाथ से पीस कर बनाई है। मैंने मिक्सी में नहीं पीसा है, सीला पर पीसा है। इसमें मैंने लहसुन, लाल मिर्ची, दो हरी मिर्ची और टमाटर ये सब डालकर मैंने चटनी बनाई है। तो मैं ये भी इसमें डाल दूँ। तो मैं गैस ऑन कर दूँगी। गैस ऑन कर दूँगी चटनी डाल दी है और आंच को नॉर्मली रखा है मैंने। तो मैं इसको थोड़ी देर तक पकने दूंगी और यहाँ पे मैंने एक बैंगन लिया है। मैंने इसका छिलके उतार लिए हैं अच्छी तरह से और इसको मैश कर लिया है। और यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ, ये अरहर की दाल है जिसके अंदर मैंने दो मिर्ची ली है, तीन टमाटर, एक प्याज और ये लहसुन और इधर ये मसाले। तो यहाँ पे ये मसाला पक गया है और अब मैं इसमें ये बैंगन डाल दूँ। इस तरह से बनाकर ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसा लगा। तब मुझे जैसे भी इच्छा होती है वैसे ही उसी हिसाब से मैं बना लेती हूँ। तो आज मैंने ये सारे मसाले पीस के फिर मैंने बनाया। तो ये यहाँ पर मैं 2 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी और इसको मैं ढक दूँगी। तो अब दाल के लिए इधर मैंने कुकर चढ़ा दिया है और मैं गैस ऑन कर दी। आँच मैंने नॉर्मल कर दी है और इसके अंदर मैं डालूँगी मस्टर्ड ऑयल। तेल मैंने यहाँ पे डाल दिया। तेल गरम हो रहा है, डाल रही हूँ जीरा,
धनिया डाल दिया है, डालूंगी मैं राई, राई डाल दी है मैंने, और इसमें मैं थोड़ी हींग डालूंगी। हींग डालने के बाद में मैंने यहाँ पे लहसुन को बारीक बारीक काट के रखा था, जो मैंने चौंक में ही डाल दिया है तेल में। और इधर भरता है जो तैयार हो गया है, बन गया है, गैस मैंने बंद कर दी है। तो अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्ची, प्याज भी मैं साथ में डाल दूंगी। चढ़ा दिया है, भरता तैयार बन चुका है, और इसमें मिर्ची प्याज सब डाल दिए, इसे मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी और फिर इसमें मसाले डालेंगे। और ये दाल बना रही हूँ मैं, जो अरहर की दाल है, तो मैंने इसको धोकर वॉश करके रख लिया। प्याज थोड़े ब्राउन हो जाए बाद में मसाले डालेंगे। तो ये मैं पहला वीडियो है बना रही हूँ और मैं नर्वस हूँ, इस वजह से मैं कैमरे के सामने नहीं आ रही हूँ। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, फर्स्ट वीडियो है, आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं इसमें डाल दूँगी अब मसाले। तो मैंने यहाँ एक चम्मच छोटी धनिया पाउडर की डाली है, और आधी चम्मच यानी मैंने डेढ़ चम्मच डाला है। यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ी सी लाल मिर्ची, जो कि हम मिर्ची कम खाते हैं इसलिए, और मैंने आधी चम्मच यहाँ पे हल्दी डाली है, और आधी चम्मच मैंने और डाली है। अब मैंने इसमें यहाँ पे एक चम्मच नमक, मतलब एक चम्मच नमक डाला है, और अब मैं इसको अच्छे से मसाले को भून दूँगी। अच्छे से इसको भून लूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया, आज मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है, हाई कर दी है। इसमें मैं डालूंगी टमाटर। तो अभी हमारे टमाटर इसमें पकेंगे, मसाला पकेगा, तब तक मैं यहाँ दूसरी तरफ आटा लगा दूंगी। मसाला पक गया है, अब इसमें दाल डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दी है, तवा गरम हो रहा है, और फिर मैंने आटा लगा लिया है। तो मैं अब रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना, ताकि मेरी आगे आने वाली जो वीडियो है वो आप तक
आपको तक पहुंच सके। अभी दोपहर का टाइम है और मैं लंच ही बना रही हूँ, तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स।